अगले 24 घंटे तक हम लोगों की मदद करने वाले हैं। ये भारी है भाई, बहुत। हमें PUBG मोबाइल ने ये दिया कि हम लोगों की मदद कर सके। वैसे इस शक्ल वाले भी लोगों की मदद करेंगे। जो हमारे फ्रिज के ऊपर जितने लेस पड़े होते हैं रात को यही चोरी करके खाता है। मुझे मारो, मैंने आज तक चोरी नहीं की है। बस बस बस, इधर इसमें देखते हैं इसमें है क्या। भाई साहब, नए ईद के कपड़े और छावरी चप्पल। मुझे भी तुम्हें साइज आ रहा है यार, ये मेरे पे आ नहीं रहा, वरना मैं ही ले लेता। ये भी तो लीडी आदमी है ना। चलो चलो गए, चलते हैं, आ जाओ। चलो भाई, बहुत भारी सामान है भाई। क्या कर रहे हो ये तुम भाई? क्या हुआ, चेक कर रहा हूँ ना। अरे यार, अपना सामान उठाओ और जल्दी आओ। रुको, चलो 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 चलो, आ जाओ, हटो, इधर आओ, हटो। बच्चों के लिए हम लोगों ने ईद की शॉपिंग की है, तो हटो बच्चों, इधर आओ। देखो देखो कैसा है, एक जाहिद को भी दो, जाहिद को, जाहिद को कैसे दिखाओ, हटो बच्चों। और वो कपड़े देखो, अरे बड़े फुल हटो बच्चों सूट है। बड़ा टाइट वाले है भाई। थैंक यू पबजी मोबाइल। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डालो डालो, भरो भरो इसको। यार मैं बैठूंगा कहाँ? तुम कहाँ बैठोगे? हाँ चलो भाई, गरम। वो देखो कैसे गया। यार अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं एडी के ओल्ड एज होम, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। मुझे जाना चाहिए वहाँ। हाँ चलो चलो, जल्दी चलते। तो गाइस, हमें वहाँ पे एक भाई दिखे, ठीक है, उनको हम देंगे कपड़े पर थोड़ा प्रैंक करके, ठीक है। ये हमने बाहर निकाल दिया। भाई आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, ये आपके लिए गिफ्ट है ईद का, ठीक है। पबजी मोबाइल ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। खाली है ये, ले यार आपका गिफ्ट। केड़ी केड़ी और कपड़े, ठीक है, सही है ना, खुश हो ना। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, आ जाओ। एक मैप, और ये वो बंदा है जिसको मैप चलाना ही नहीं आता, मतलब वो ऐप ही नहीं चलानी आती। हमें बोल दे राइट पे जाओ और जाना लेफ्ट पे होता है, फिर हम लोग जब राइट पे आए होते फिर लेफ्ट पे जाने। भाई अजीब ही यार, हम लोग एक चौक को हम लोग चार बार घूम गए भाई। पर सबसे अच्छी बात ये है कि साजू भाई हर मोड गलत करने पे इसको चपाटे मार रहे हैं दो। हाँ, मैप चलाना क्यों नहीं आता आपको भाई? क्या हो गया है चलाना? इसमें गलत दिखा रहे हैं कब से? इसमें कौन सा गलत दिखाते, मैप में गलत दिखा रहे, ये सही बोल रहा है यार। यार पुल पे जाना है, नीचे जाना, जल्दी बताओ यार। मास पुल पे जाना है यार, ये देखो ना लेफ्ट पे क्या, ये देखो लेफ्ट साइड पुल है ना यार। सही है, क्या होता है यार, तुमने बताना है मुझे यार। कैसे हो, ठीक हो? ईद के कपड़े खरीदे? नहीं, ये लो सही है। तुम्हारे पास गधे है? हमारे पास भी है। मजा आ गया, मजा आ गया भाई। गाइस ये देखिए कितना बेइज्जत आदमी है, हम गाड़ी पहले लाए, इसको उतार के गए। ये देखिए ये इसकी जिंदगी है भाई। यार ओल्ड एज होम में मुझे सबसे ज्यादा बुरी चीज ये लगती है कि अगर कोई इंसान मेंटली स्टेबल नहीं होता ना, तो उसको लोग डॉक्टर खुद लेके जाते हैं। पर ओल्ड एज होम ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपके फैमिली वाले आपको खुद छोड़ जाते हैं, समझ रहे हैं। मेहनत करो भाई, मेहनत करो, अच्छे काम किया करो, अच्छे काम किया करो यार। देखो ओल्ड एज होम ना, अंदर जाके ना बंदे का ना वैसे ही वो हो जाता है, बंदे को बुरा लगता है कि यार ये सब वो लोग हैं जिनके बच्चे ही इनको छोड़ के आए, या इनका कोई है ही नहीं, मतलब दिल बैठ जाता है इंसान का यार, के समझ रहे हो ना। मेहनत कर रहे हैं लोग, और बाकी पीछे भी दो अफराद मेहनत कर रहे हैं। सिराज ने अपना अंगूठा दिखाओ, ये देखे इस चक्कर में, ये देखे बहुत बड़ी चोट लगी है, एम्बुलेंस बुलाओ गाइस इसके लिए। तो गाइस हम लोग यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरिफ भाई? ठीक है भाई। गाइस हम आए हैं यहाँ पे ओल्ड एज होम, और यहाँ पे हम लोगों से बात भी करेंगे, इनको गिफ्ट भी देंगे, और फिर हम जाएंगे अफ्तारी करने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? परवेज साहब, हम आपके लिए लाए हैं गिफ्ट, ठीक है, पबजी मोबाइल की तरफ से, ठीक है, हम आपको गिफ्ट देंगे, सही है। ईद पे नए कपड़े हैं और चीजें हैं ना, ईद पे बंदा तैयार अच्छा लगता है ना, समझ रहे ना। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हबीब साहब नाम इनका, हबीबुल्लाह, मैं सबसे सीनियर ये हैं। वालेकुम, वालेकुम सलाम। एज क्या है आपकी? एज उमर 95। इंशाल्लाह सेंचुरी पूरी करेंगे, इंशाल्लाह सेंचुरी पूरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कब से? मतलब सबसे पुराना मैं हूँ, सबसे पुराने, यहाँ तकरीबन 9 साल हो चुके हैं। 9 साल हो गए। कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा गुस्से वाला, बोलने वाला? बोलने वाला वो मैं था, टोपी वाला। वो सब दोस्तों में अक्सर एक बंदा होता है ना जो थोड़ा झाड़ता है कि मुझे सब आता है। वो ये है वो। ये आपके लिए पबजी की तरफ से, ठीक है, ये ईद का गिफ्ट है। अंदर खोल के देखे, ये देखे अंदर, ये आपके लिए केड़ियां जैसी है। नंबर असल में मैं अलग अलग नंबर लाया हूँ, आप आपस में मिक्स कर लेना की जिसको जो नंबर आ रहा है। नाप लेना? नहीं, नाप नहीं लेना, असल में कपड़े अनस्टिच है, ठीक है, आप कहते हैं तो हम आपको सिलवा के भी दे देंगे। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। बड़ा अच्छा नाम है। बलोचिस्तान से हैं आप? यस सर। चले आपसे मिलते हैं फिर, ठीक है, इंशाल्लाह। आप मुझे सबसे ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं।
कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। आपके पास वैसे मैंने देखा है सुपर बिस्किट भी पड़ी हुई है। ये आपके लिए हम ईद के कपड़े लेके आए। ठीक है, चले अब हम आ रहे हैं अपने प्यारे आरे भाई के पास। आरे भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको मैंने गिफ्ट दे दिया था? हाँ जी। तो दोबारा दूं? दोबारा दे देते हैं, दो गिफ्ट दे देते हैं। आरे भाई आप भी हमारे साथ रहिएगा। ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल आए हैं। ठीक है, यहाँ अफ्तारी बना रहे हैं सबके सब। आज अफ्तारी में क्या खाना है? आज अफ्तारी में मैकडॉनल्ड जाना है। ओ भाई, ओ पकोड़े समोसे खाने होते। ये देखो जैसी वीडियो खुलती है ये बर्गर बन जाता है। जैसी वीडियो खुलती है ना इसकी सारी ख्वाहिशात सामने आ जाती है। क्या खाओगे? मैकडॉनल्ड। माज इसको जरा मैकडॉनल्ड देना। जाओ हमारे ना दो भाइयों का सबसे ज्यादा पड्डा होता है, इसका और इसका, और दोनों आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों सेम एज के। भाई कैसे हो? ठीक हो भाई? तुम तो बहुत फनी थे, मैंने कैमरा खोल लिया, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? ये यूं था दलमी भाई, मैंने कैमरा खोला, इंटरव्यू पे आए थे भाई। ये ओल्ड एज होम तुम्हारे घर के सामने है ना, तुम लोग इनकी मदद करते हो? जी जी करते हैं भाई। इनका ख्याल रखना, ईद वाले दिन सब लोगों ने अपनी जलमी आर्मी सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ईद वाले दिन यहाँ लाजमी चक्कर लगाना है। ठीक है, गाइस घर अभी बहुत दूर है और टाइम बहुत कम रहेगा अफ्तारी में। देखो 6:19 हो रहे हो, घर बहुत दूर है यहाँ से, तो अभी हमने वहाँ भी जाने। और मैं तो मैकडॉनल्ड की बात कर रहा था, यहाँ पे अभी खजूर भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। वो सामने एक्सीडेंट हो गया यार। अरे भाई साहब क्या खतरनाक है। स्टार्ट हो चुका, हटो। वो कह रहा है ब्लॉग में ले लिया, कह रहा है मेहनत लगती है ना। और बाकी इस बंदे को समझाओ, ये एडिट नहीं करता भाई, ये एडिट नहीं करता। इसको तीनों पीटो, पकड़ के पीटो पीटो पीटो, पकड़ो मुझे, पकड़ साथ पकड़, साथ पकड़। आ जाओ आ जाओ, चलो बस बस बस। इसने तो बदला निकाले, इसने तो असली हमारा है। अभी भी हमारे पास मौजूद थे, तो भाई तेरे लिए ईद के कपड़े लाए हैं। सही है, किसकी तरफ से है? पबजी मोबाइल की तरफ से। भाई पबजी मोबाइल की गेम भी अलग है। भाई आपका गिफ्ट जो रह गया था, शुक्रिया। अरे कोई मसला नहीं, आप याद है हमें। इसकी हालत देखे भाई, सच बताओ मुझे भाई, तुम्हारा रोजा है? सच बताओ। अरे यार भाई आपको देख के लग रहा है इसका रोजा है? भाई जितना ये फ्रेश है ना, इसका चेहरा देख के बताओ, लग रहा है इसका रोजा है? रोजा है ना माशाल्लाह। ये इतना सा बच्चा जिस पे अभी हमें शक है कि यार इसका रोजा है या नहीं है। और ये देखे कितनी सारी अफ्तारी रखी है, मिल ली अकेले। हाँ तो गाइस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि साजू भाई हमेशा की तरह वॉलेट दोबारा से घर भूल गए, तो अभी उनका वॉलेट भी लेके जाना है यार। एक तो जब देखो वॉलेट भूल जाते घर पे यार, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो गाइस अभी वॉलेट उठा लिया और जल्दी से चलते हैं उनके पास यार। शुक्र है भाई आ चुका है यार खाना। खाना है यार, ईद थोड़ी आई है, इतना एक्साइटेड क्यों? ईद पे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता जितना खाने पे हूं। ओके वो बस कर दे भाई, बस कर दे भाई, इसका रोजे पे भी शक था हमें। ठीक है, और ये देखो ये क्या कर रहा है। तो गाइस फाइनली अफ्तारी करके मैं और मुहिब घर आ चुके हैं। ठीक है, मुहिब का पेट निकला हुआ है। ठीक है, इसने 2.5 किलो कढ़ाई खाई है। सही बात, सही बात। क्या 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 कर रहे हो ये? So guys, जितने सारे बैग हम लोगों ने लोगों में बांटे, ये सारे पबजी मोबाइल की तरफ से हमें मिले थे। पबजी मोबाइल थैंक यू सो मच लोगों का इतना ख्याल रखने के लिए। और तो आप सब लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको तवज्जो की जरूरत है, उनके साथ ईद मनाएं, उनके साथ एंजॉय करें। यही हमारा असल रमजान का मकसद होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच पबजी मोबाइल वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी जलमी आर्मी के साथ ही दीजिए इजाजत। ओके बाय।